नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन केडिया एक बार फिर से आज एक और नई क्लास लेके आप लोगों के लिए। दोस्तों, आज की क्लास कॉन्सेंट्रेट है हमारे लंग्स पे, हमारे फेफड़ों पे, कि इसकी ताकत कैसी बढ़ाई जाए, फेफड़ों का साइज कैसे बढ़ाया जाए। जो लोग जल्दी थक जाते हैं, स्टैमिना कम है, उनको ज़्यादातर फेफड़ों की दिक्कत होती है। आजकल ये कोरोना वायरस चल रहा है, ये भी फेफड़ों पे ही इफेक्ट डालता है। जो लोग लंबे रनर्स होते हैं, अभी जैसे अभी एक स्टडी पब्लिश हुई थी कि हुसैन बोल्ट जो वर्ल्ड के सबसे तेज रनर हैं, उनके फेफड़े नॉर्मल लोगों से 20-25% साइज में बढ़े हैं। तो फेफड़ों का साइज बढ़ाएं कैसे, तो एक बहुत दो बढ़िया एक्सरसाइज है हमारे योग की, इसको कॉम्बाइन करा है मैंने। एक कार्डियो एक्सरसाइज है योग की, दूसरा प्राणायाम है। बहुत पावरफुल क्लास है ये, 10-15 मिनट के अंदर ही आप काफ़ी थक जाएंगे अगर आपने अभी आप करेंगे ये। चले करके देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेचिंग, डीप इनहेल अप, स्ट्रेच राइट साइड जाएं, स्ट्रेच सेंटर, लेफ्ट साइड जाएं, स्ट्रेच सेंटर, राइट साइड जाएं, स्ट्रेच सेंटर, लेफ्ट साइड जाएं, स्ट्रेच सेंटर। हाथों को आगे लाएं, झुकें आगे, पीछे लेके जाएं दोनों हाथों को, कमर ऊपर उठाएं अपनी, धीरे से डाउन, राइट हैंड पीछे रखें, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, डीप इनहेल एंड बैक, राइट ऊपर उठाएं, डीप इनहेल एंड बैक, लेफ्ट अप एंड बैक, राइट अप एंड बैक, लेफ्ट अप एंड बैक, राइट अप एंड बैक, लेफ्ट अप एंड बैक, राइट अप एंड बैक। उठ के खड़े हो, हल्के हल्के सी जॉगिंग स्टार्ट करें, सांस देखें साथ में, ऐसे रखना, सांस रोक रखी हमने और कंटिन्यू कर रहे हैं। इस तरह से अब थोड़ी सी रनिंग की स्पीड बढ़ाएंगे, इंजन दौड़ क्या होती है, अपने हील को अपने हिप से हिट करें इस तरह से, और एल्बो सामने बिल्कुल इस तरह से, और ये इंजन दौड़ नहीं होगी जब तक हम अपनी सांसें इसके साथ इंक्लूड नहीं करेंगे इस तरह से। इस तरह से सांस नहीं ले पा रहे हैं, वो सिंपल पंच करें, एक पंच पे सांस ले, दूसरे पे छोड़े, इस तरह से। जिनकी कैपेसिटी अच्छी हो थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट जितना कर पाए आप। अंगूठा हमेशा अंदर की तरफ रहेगा, इसमें उंगलियां ऊपर से बंद, इस तरह से इसकी पोजीशन है। अब सेकेंड प्राणायाम, इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे। 30 सेकेंड करा और मेरी सांस फूलने लगी है। अब इसके साथ का कॉम्बिनेशन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, सभी प्राणायाम में सबसे पावरफुल प्राणायाम कहलाता है। कोई ऐसी शरीर की बीमारी नहीं है जो ये प्राणायाम ठीक नहीं कर सकता। इवन जो आपकी सांसें फूल रही होंगी, इस प्राणायाम को 30 या 40 बार करने के बाद ही आपकी सांसें भी फूलनी रुक जाएंगी और आप दोबारा ऐसे इंजन दौड़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। चलें, डीप इनहेल, सांसों को तेजी से लेना है, छोड़ना, और पेट की कोई मूवमेंट नहीं है इसमें कि पेट को अंदर बाहर कर रहे हैं, सिर्फ चेस्ट तक की मूवमेंट है। देखिए, मैं दोबारा देखें, डीप इनहेल
और मैं सिर्फ हाफ सांस छोड़ूंगा, जितना कर पा रहे हैं आप उतना ही करें इसको, 35 से 40 बार कम से कम करने की कोशिश करें, देंगे फेफड़े थोड़े मजबूत हैं वो 70-80 तक भी कर पाएंगे। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिसको हाई बीपी है वो उसको ना करें, जिसको हाई बीपी है वो इस तरह से करें, इसको लंबी सांस लें गहरी छोड़ें, इस तरह से करना, पेट की मूवमेंट नहीं सिर्फ चेस्ट की मूवमेंट है। चले अब बिना कोई गैप दिए अब दो राउंड इसके बिल्कुल कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं। बस्ती का प्राणायाम के बारे में मैं आगे अपनी और क्लासों में डिटेल में भी बताऊंगा आपको। फिर से स्टार्ट करते हैं, इंजन दौड़, मुट्ठी बंद इस तरह से, दूसरा हाथ साइड में, एक पैर बैंड आपका स्टार्ट करें, पहले आराम से एक पंच पे मैं सांस ले रहा हूँ, दूसरे पे मैं छोड़ रहा हूँ, स्पीड बढ़ाएं, बिना कोई समय गवाए प्राणायाम। फिर से खड़े हो और इंजन दौड़ के लिए रेडी हो, फिर से एक बार एक पैर बैंड, दूसरा हाथ सामने, और इस बात का ध्यान रखें बिल्कुल सीधा हाथ को करना, ऐसा नहीं कि एल्बो बैंड करे करे करते रहे, बिल्कुल हाथों को सीधा, पहले आराम से सांस छोड़ें, एक पंच पे सांस, दूसरे पे छोड़ें, जिनके नी में पेन रहता है ज्यादा वो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह ऐसे भी, ठीक है। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, कम से कम 35 करने की कोशिश जरूर करें, ऐसा नहीं 10-20 में रुक गए। अनगिनत फायदे हैं इस भस्ती का प्राणायाम के, इसके बारे में बताऊंगा मैं आगे वाली क्लास में, पर आज इसको करने का कौन सा रीज़न, सिर्फ हमारे लंग्स है
इन दोनों एक्सरसाइज को कंबाइन करके करने का रीज़न हमारी लंग्स की ताकत को बढ़ाना है, इसके साइज़ को बढ़ाना है, इसलिए इसके बेनिफिट पर बात नहीं करेंगे हम। अभी आप खुद दो राउंड के बाद फील कर पाएंगे, आपके लंग्स के अंदर आपको एक हल्का सा प्रेशर फील होगा, एक स्ट्रेन फील होगा। बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बॉडी वार्म अप हो गई है पूरी तरह से और आगे एक्सरसाइज करने के लिए भी। इसको आप एज ए अपने वार्म अप के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत पावरफुल वर्कआउट है दोस्तों ये, सिर्फ दो राउंड करें हैं मैंने, मुश्किल से दो राउंड करने में आपको लगेंगे 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 से 6 मिनट। इसको 4 राउंड करेंगे 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर कम से कम 150 कैलोरी यूज़ कर देंगे आप, इतना पावरफुल है ये। मैं फील कर पा रहा हूँ इस वर्कआउट की एनर्जी। आप भी करें इसको, रेगुलर करें, विद इन 15 दिन कर लेंगे आप मैक्सिमम, आपको खुद फील होगा कि आप पहले अगर 5 किलोमीटर भाग पाते थे, रनिंग कर पाते, तो अब आप 7 या 6.5 किलोमीटर भाग पा रहे हैं। पहले अगर आप सीढ़ियाँ करते हुए थक जाते थे सीढ़ियों ऊपर चढ़ते हुए, तो अब आप नहीं थक रहे हैं। आप इसके मतलब आप सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर इतने अच्छे बॉडी के अंदर इफेक्ट फील करेंगे आप इसे छोड़ ही नहीं पाएंगे। इसको करें रेगुलर, यही मैं चाहता हूँ। ये नई नई क्लास बनाने का मेरा पर्पस ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से जुड़ें, योग करें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और नई नई क्लासें आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।